नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। कानपुर थाना सिकंदरा पुलिस का करिश्मा दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज न कर छेड़छाड़ में दर्ज किया महिला का मुकदमा। पीड़ित महिला ने उच्च अधिकारियों से लगाई न्याय की गुहार। एनका खबर कानपुर देहात से है। थाना सिकंदरा क्षेत्र के ग्राम मिरगांव निवासी एक दलित महिला ने गांव के एक अधेड़ पर दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। महिला ने थाना सिकंदरा पुलिस को दुष्कर्म का प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन सिकंदरा पुलिस ने महिला का प्रार्थना पत्र बदलकर छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया। पीड़ित महिला का कहना है कि मैंने थाना प्रभारी से घटना के दूसरे दिन मेडिकल कराने की बात कही थी, लेकिन पुलिस ने उसे टरका दिया था। 4 दिन बाद छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया। पीड़ित महिला का आरोप है कि पुलिस ने अभियुक्त से मोटी रकम लेकर साधारण मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित महिला का यह भी आरोप है कि पुलिस ने प्रार्थना पत्र बदलकर उसके फर्जी हस्ताक्षर बनाकर छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक IG कानपुर से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है और छेड़छाड़ का मुकदमा दुष्कर्म की धारा में तरमीम कराए जाने की मांग की। पीड़ित महिला का पति कानपुर से संवाददाता श्याम दुबे की खास रिपोर्ट। आपका क्या नाम है? रवीना। कहाँ रहती हो? मिरगांव में। क्या घटना घटी आपके साथ? सर, हम साथ में रात में परे सो रहे थे और वो दीप सिंह आया, हमारा मुंह खून के मुंह दबा लिया और हमारे साथ जबरदस्ती वो बलात्कार किया हमारे साथ। किसने बलात्कार किया? दीप सिंह ने बलात्कार हमारे साथ किया और जब हमें चिल्लाए तो कहने लगा तो हमें बच्चे और लड़के मार देंगे और भाग गया ऐसे धमकी दे के हमको दीप सिंह। फिर आप थाना सिकंदरा गई थी? हाँ सर, गए थे सर थाने में तो मैं रिपोर्ट करी थी जाके, पर मन पे सुनाई कोई नहीं हमारे लिए। उसके बाद आप SP ऑफिस गई थी? हाँ गए थे। वहाँ पे कुछ नहीं हमारी होगी। अब आप क्या चाहती हो? इंसाफ का, सर को चाह रहे इंसाफ हमारे साथ किया जाए। क्या नाम बेटा तुम्हारा? शिवम। कहाँ रहते हो? मिरगांव। क्या घटना घटी आपके साथ? जी, दिनांक 7 तारीख को हम बाहर रहते हैं जयपुर और हमारी पत्नी के साथ बलात्कार किया दीप सिंह और संतोष सनाम मुंशीलाल। उन्होंने हमारे घर पे बलात्कार किया, जब हमने थानों में लिखित प्रतिपत्रनामा दिया तो उन्होंने छेड़छाड़ में दर्ज कर लिया, सिकंदरा थाना कानपुर देहात। तो आपने लिखित प्रार्थना पत्र बलात्कार का दिया था? जी, बलात्कार का दिया था। इन्होंने मेडिकल नहीं कराया? मेडिकल इन्होंने नहीं कराया। हमने 7 तारीख से 11 तारीख तक घूमे, इन्होंने कोई हमारा वो नहीं सुनवाई की। तो फिर इन्होंने क्या किया बेटा? इन्होंने क्या किया, अब ये हमको बयान लेने के लिए बुला रहे हैं वहाँ की 154 में मुकदमा, 354 में मुकदमा कायम कर दिया और बलात्कार की हमने दरख्वास्त दी थी जो हमारे साथ हादसा हुआ। तो आपको, आपकी पत्नी ने आपको क्या बताया था कि हमारे संग में बलात्कार हुआ? हाँ, बलात्कार हुआ, उन्हीं ने पूरे बयान किए और उन्होंने 354 की धारा में छेड़छाड़ में वो मुकदमा किया है सिकंदरा थाना। तो इन्होंने क्या प्रार्थना पत्र पुलिस ने बदला है क्या? हाँ, इन्होंने बदला है। हमारे कहीं भी सहन हो तो आप बताइए, हमने जो दी थी वो इन्होंने नहीं दिखाई, हमने तो दुष्कर्म की दी थी। रवीना कठेरिया। आपकी पत्नी का नाम रवीना कठेरिया है? हाँ जी। तो घटना के समय आप लोग घर पे नहीं थे? हम जयपुर में मजदूरी करते हैं। पत्नी अकेली थी? पत्नी अकेली रहती है। सब्सक्राइब नाउ and press the bell icon. Never miss an update.